आना अवंत गार्ड मीरा रोड ईस्ट, ये प्रॉपर एक्सप्रेस हाईवे पे बन रहा है। जस्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का वहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू है, जो एक्सप्रेस हाईवे से हम मीरा रोड के लिए अंदर घुसते हैं जस्ट उस सर्कल पे ही है, और कनेक्टिविटी में बहुत ही पास है ये एक्सप्रेस हाईवे से, मेट्रो स्टेशन से। आज इसी प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ दोस्तों इस पूरे वीडियो में, बने रहिए। मैं विकास परनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर मीरा रोड मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। दोस्तों बात करूँ, इसमें 24 आवर्स वाटर है और 22 माले की बिल्डिंग है, और भी हम पूरा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। पहले आइए कुछ यहाँ का जो प्रैक्टिकली बन के रेडी है, और आप समझ सकते हैं इसमें OC आ चुका है, बिल्डिंग का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है, पब्लिक इसमें ऑक्यूपाइड हो चुकी है, रहने के लिए आ चुकी है कुछ, और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें सेल करने के लिए बचा हुआ है। रीसेल में भी है इसमें, और बिल्डर प्रॉपर्टीज़ भी है, रीसेल में कुछ रीजनेबल भाव में भी है। तो आज इसी प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। आइए कुछ वहाँ पर जो जो एमिनिटीज़ अभी रेडी है उसका भी हम वीडियोज़ देखते हैं, ताकि समझेंगे कि हमें वहाँ क्या मिलने वाला है, वहाँ रहने जाने के बाद हमें क्या यूटिलाइज करने वाले हैं। आइए कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ देखते हैं, बाद में बताऊँगा कि इसका प्राइजिंग क्या है, इसका स्कीम क्या है, कितने माले का टावर है, और सारा डिटेल मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ये इसका रैंप है जो पार्किंग में जाने के लिए, गाड़ियों को जाने के लिए, और ये पूरा बिल्डिंग का एलिवेशन है। और अभी हम देखेंगे ये एंट्रेंस लॉबी है जिसमें से हम बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। सामने सिक्योरिटी टेबल है, और दो हाई स्पीड लिफ्ट है इसमें कौन कंपनी का, जो पर सेकंड पर फ्लोर सफ़र करती है, तय करती है। तो ये दोनों हाई स्पीड लिफ्ट है, और दो स्टेयरकेस है इसमें। अभी जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है सारे में दो स्टेयरकेस कंपलसरी हो गया है, और ये लिफ्ट है इसका, आप देख सकते हैं लिफ्ट भी काफ़ी स्पेसियस है। अभी हम ये इसका स्टेयरकेस है ऊपर जाने के लिए। अभी हम धीरे पूरा फ्लैट देखेंगे कि कैसा प्रॉपर्टी का लेआउट कैसा है, अंदर से इसका फ्लैट का साइज कैसा है। ये इसका लिविंग एरिया है, फ्लैट एज इट इज़ आपको बिल्डर डिलीवर करने वाले हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। ये इसकी बड़ी बालकनी दी हुई है लिविंग एरिया में, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में, आप देख सकते हैं 5 फुट की बालकनी है इसकी, और यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इसका, नेशनल पार्क का व्यू भी आता है, सिटी का व्यू भी आता है इसकी बालकनी से, इवन बेडरूम से, किचन से भी है। ये विंडो के साइड से हम डाइनिंग का व्यू देख रहे हैं हॉल के अंदर का। ये डाइनिंग का स्पेस है, ये भी काफ़ी बढ़िया है, आप 6 चेयर का डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, इतना स्पेस तो यहाँ पे है। इसके बाद हम किचन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक दोनों साइड प्लेटफॉर्म वाला किचन मिल जाता है, एक सर्विस प्लेटफॉर्म, एक गैस प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग में फ्रिज का स्पेस है, और किचन के बाहर भी एक 4 से 5 फुट का ब्रॉड बालकनी है जिसमें आप वॉशिंग मशीन और ड्राई एरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम धीरे धीरे पूरा फ्लैट देखेंगे। ये सामने ही किचन के जस्ट अपोजिट में कॉमन वॉशरूम है, ये कॉमन वॉशरूम को मैं अंदर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉमन वॉशरूम से बाहर निकलते ही हम अभी कॉमन बेडरूम देखेंगे, किड्स बेडरूम। ये इसका किड्स बेडरूम है जो काफ़ी बढ़िया स्पेस दिया है इन्होंने, और उसमें भी ये बालकनी है। सारे में टपन ग्लास का रेलिंग दिया है, रेलिंग के साथ इन्होंने बालकनी में सेफ्टी दिया हुआ है। अब हम इसका मास्टर बेडरूम देखेंगे, ये इसका मास्टर बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम में घुसते ही लेफ्ट हैंड साइड पे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, थोड़ा डार्क है इसके लिए, मैं आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इटालियन मार्बल में काम किया है बिल्डर ने, और सारे हाई क्लास प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यूज़ किया है ब्रांडेड कंपनी का। और मास्टर बेडरूम भी इसका काफ़ी बढ़िया और स्पेसियस है। अभी मैं दिखाऊंगा मास्टर बेडरूम में एक्स्ट्रा स्पेस दिया है इन्होंने बालकनी का। ये मास्टर बेडरूम है इसका, और सारे में AC लगा के दे रहे हैं बिल्डर। ये मास्टर बेडरूम का बालकनी है,
यहाँ से भी सारा व्यू, नेशनल पार्क का व्यू आता है और मीरा रोड सिटी का व्यू आता है। यहाँ से मैं बेडरूम विंडो के साइड से आप बेडरूम देखें तो सामने वार्डरोब स्पेस है और वार्डरोब स्पेस के जस्ट बाजू में ये एक्स्ट्रा एक टेरेस दिया हुआ है, छोटा बालकनी दिया हुआ है जहाँ पे आप स्टोरेज के लिए, कपड़े सुखाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालकनी साइड से मास्टर बेडरूम का पूरा व्यू है। अभी हम ये अंदर से पूरे फ्लैट का व्यू देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये पूरा पैसेज है, एक फ्लोर पे चार फ्लैट है, दो स्टेयरकेस है, दो हाई स्पीड लिफ्ट है। बहुत ही बढ़िया डेकोरेट किया है इन्होंने, इनका इंटीरियर डिजाइनिंग आप देख सकते हैं। साथ ही एक ब्रॉड स्टेयरकेस और एक थोड़ी कम चौड़ाई वाली स्टेयरकेस है इसमें। साथ ही हर एक अटेंडेंट फ्लोर पे सर्वेंट यूज़ के लिए वॉशरूम दिया हुआ है, साथ ही गार्बेज सूट दिया हुआ है हर फ्लोर पे। आप ऊपर से ही गार्बेज डंप कर सकते हैं, नीचे कचरे के पेटी में चला जाएगा कचरा। ये इसका पार्किंग स्पेस है जो तीन फ्लोर थ्री लेवल, इसमें बेसमेंट पोडियम पार्किंग है, ग्राउंड पार्किंग है और फर्स्ट लेवल पार्किंग है। ये इसका बाइक पार्किंग एरिया है और इसमें 10,000 स्क्वायर फुट का क्लब हाउस दिया हुआ है जो मैं अभी रेडी नहीं हुआ है, बन रहा है, बट बिल्डिंग की ओसी आ गई है। सामने इसमें एक और टावर है, अभी क्लब हाउस का काम चालू है। ये इसका रूफटॉप एमिनिटीज है, छत पे बहुत ही ब्यूटीफुल सीनियर सिटीजन एरिया है ये, और यहाँ से भी पूरा व्यू आता है नेशनल पार्क का, नेशनल पार्क का सिटी का पूरा व्यू आता है। और छत पे इन्होंने ये जॉगिंग ट्रैक बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और ये पूरा एक्सप्रेस हाईवे पे ही आता है ये, तो एक्सप्रेस हाईवे पूरा शो करता है यहाँ से। और ये ओपन लाइब्रेरी है जहाँ पे आप बैठ के खुले आसमान के नीचे स्टडी कर सकते हैं और काफ़ी हायर फ्लोर होने के कारण यहाँ पे आपको किसी तरह का आवाज़ का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। ये पूरा स्पेस है, सिटिंग एरिया है जो रूफटॉप के ऊपर है और रूफटॉप के ऊपर ये पूरा इंटीरियर डिजाइनिंग है। तो अभी जो हमने फोटो और वीडियोस देखा है ये अनावंत गार्ड का, इसमें और मैं डिटेल में आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वहां से जस्ट बाजू में ही है और प्रोजेक्ट से बाहर निकलते ही आप डायरेक्ट एक्सप्रेस हाईवे पे निकलते हैं। मेट्रो स्टेशन भी वहां से हार्डली एक मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 22 माले की बिल्डिंग है ये जिसमें बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट, ये इसका पार्किंग एरिया है, पार्किंग लेवल है। 3 माला इसका पार्किंग है, उसके ऊपर पूरा का पूरा रेसिडेंशियल टावर है। ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, 24 आवर्स वाटर है इसमें। बिल्डिंग के ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुकी है, बिल्डिंग का ओसी आ चुका है, बिल्डिंग का ऑलरेडी पोजीशन भी हो चुका है। कुछ बायर्स को यहाँ पे ये रहने के लिए ऑक्यूपाइड भी कर चुके हैं। सारे नेशनलाइज इंटरनेशनल बैंक से अप्रूव्ड है, आप जिस बैंक से लोन लेना चाहें उसमें आपको लोन भी मिल जाएगा, जैसे LIC, SBI, HDFC, ICICI बैंक और भी जो भी बैंक हैं उन सारे से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको लोन करवाना है तो भी हम आपको उसमें हेल्प करेंगे, प्रॉपर्टी परचेस के साथ साथ हम आपको लोन करवाने में भी पूरा मदद करते हैं दोस्तों। अगर इसका पूरा डिटेल आप गवर्नमेंट के वेबसाइट महारेरा पे जानना चाहते हैं तो महारेरा नंबर है इसका P517001388, ये इसका महारेरा नंबर है। इसके थ्रू आप गवर्नमेंट के महारेरा वेबसाइट पे जाके सब चेक कर सकते हैं, इस पूरा प्रोजेक्ट का अप्रूवल क्या है, इसका डिटेल क्या है, इसमें क्या कितना कारपेट का फ्लैट बनाया हुआ है। क्योंकि आज के डेट में पहले बिल्डर कुछ भी बोल के कुछ भी काम करते थे, लेकिन आज के डेट में कुछ भी गवर्नमेंट से छिपा हुआ नहीं है, सारा कुछ गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है उन्हें बनाने से पहले। ये सब कुछ डिटेल आपको महारेरा के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसकी एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि बिल्डिंग के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एक जैन मंदिर भी ये बनाने वाले हैं। बिल्डर खुद जैन है तो जैन मंदिर भी बनाने वाले हैं उसके अंदर। मैं फ्लैट की बात करूँ तो इसमें 2 BHK के 2 टाइप हैं और 3 BHK के 2 टाइप हैं। 2 BHK का जो इसका एरिया है वो यूजेबल कारपेट एरिया इसका 840 स्क्वायर फुट का है, जो पहला 2 BHK सबसे जो नॉर्मल साइज वाला है। फिर इसके बड़े वाले की बात करूंगा मैं, उसके बाद
3 BHK की बात करूंगा, जिसका रेरा कारपेट एरिया 698 है और यूजेबल कारपेट एरिया इसका 840 यानी 840 स्क्वायर फुट है, जिसकी ऑल इंक्लूसिव प्राइस जाता है 1.28 crore 1,28,00,000 रुपये। और अगर पार्किंग चाहिए तो पार्किंग का चार्ज एक्स्ट्रा है। ये 1,28,00,000 में अच्छा खासा नेगोशिएट करते हैं ये लोग, नेगोशिएबल है। आप आइए, जो इतना भी बेटर मैं आपको प्राइस करा के दे सकता हूँ करवा के दूंगा और आपका डील क्लोज करवा के दूंगा। दोस्तों पूरी आपकी हेल्प करेंगे हम लोग, टिल पोजीशन बुकिंग से लेके जब तक कि आपको पोजीशन नहीं दिला देते तब तक कि हम आपको पूरी मदद करेंगे प्रॉपर्टी दिलवाने में। 2 BHK का लग्जरी की बात करूं, जो बड़ा वाला 2 BHK है उसका यूजेबल कारपेट 865 स्क्वायर फुट है, यूजेबल कारपेट एरिया उसका, उसकी प्राइस ऑल इंक्लूसिव 1,32,00,000 के नियर बाई जाता है। उसमें भी आप आइए, उसमें भी जितना नेगोशिएट होगा अच्छा खासा नेगोशिएट करके हम आपका डील क्लोज करा के देंगे। 3 BHK का यूजेबल कारपेट एरिया 1,020 स्क्वायर फुट यानी 1,020 स्क्वायर फुट का है, जिसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस 1.60 crore 1,60,00,000 रुपये जाता है। उसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी GST सोसाइटी इवन क्लब हाउस चार्जेस वगैरह सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। पार्किंग अगर आप लेते हैं तो पार्किंग का चार्जेस उसमें जो भी है बिल्डर से हम कंसिडर करा के आपको करवा के देंगे। एमिनिटीज़ में इसमें जैन मंदिर अंदर आ रहा है, इसमें अभी 10,000 स्क्वायर फुट का ये एक क्लब हाउस बना रहे हैं। अभी कुछ लॉकडाउन वगैरह होने के कारण वो क्लब हाउस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। अपने वीडियो में मैंने एक खाली स्पेस दिखाया है, वहाँ पे पूरे 10,000 स्क्वायर फुट का ये क्लब हाउस बनाने वाले हैं, जिसमें स्विमिंग पूल, कवर्ड स्विमिंग पूल ओपन आएगा, लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स ETC वगैरह एक्सेट्रा वगैरह आएगा, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, वाटर कैस्केड, एक्सक्लूसिव रूफटॉप जॉगिंग ट्रैक आपको मैं ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ, योगा ट्रैक, सीनियर सिटीजन एरिया, मल्टी पर्पस कोर्ट, रॉक क्लाइंबिंग वॉल, क्रीच, सोलर सिस्टम, 24 आवर्स इसमें CCTV सर्वेलेंसेस रहेगा, साथ ही 24x7 इसमें BMC वाटर सप्लाई रहेगा इस प्रोजेक्ट में। यहाँ से मैं एक्सेस की बात करूँ आपको, तो हाईवे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पास में ही है, यहाँ से 3 से 4 मिनट के दूरी पर ठाकुर मॉल आपको हाईवे पे ही मिल जाता है, साथ ही दहीसर चेकनका यहाँ से 5 मिनट के ट्रैवलिंग पे ही है, 5 मिनट के बाइक या कार से आप ट्रैवल करते हैं सीधा दहीसर चेकनका पहुँच जाते हैं, टोलनका पहुँच जाते हैं, वहीं जस्ट इसका मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन इसका एक पहले भी है, शिवाजी स्टैचू जहाँ पे है, छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वहाँ पे भी है। तो उस मेट्रो स्टेशन तो जस्ट बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स के बाहर निकलते ही इसका स्टेशन आ जाता है, मेट्रो स्टेशन 20-25 मिनट के दूरी पे यहाँ से ग्रोवल मॉल है, जो आप जानते हैं कांदिवली में काफ़ी बड़ा और काफ़ी फेमस है। ओबेरॉय मॉल यहाँ से आधे घंटे में है और 1 घंटे का डिस्टेंस पे यहाँ से एयरपोर्ट आता है। तो ये सब कनेक्टिविटी है यहाँ के आसपास का। हमारे जो भी हमने इस प्रॉपर्टी फील्ड में एक्सपीरियंस किया है 10 से 15 सालों का, उसमें जो भी हमने कुछ सीखा है मेरे हर एक वीडियो में हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो बायर्स हैं, उनसे मैं अपने एक हर एक में एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स और एक आइडिया शेयर करता रहता हूँ, ताकि उन्हें भी ये एक्सपीरियंस मिले और उसका वो बेनिफिट लें। दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट है वो ये है कि कई बार हम ऐसे बिल्डर के साथ या ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जो हम ये पता नहीं करते कि वो उन्होंने पहले भी कभी बिल्डिंग बनाया है या पहले भी कभी कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, ऑन टाइम डिलीवर किया है कि नहीं किया है। देखिए पैसे आप जहाँ से भी कमाते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके कमाना पड़ता है पैसा, दिन रात की काम करके कमाना पड़ता है पैसा, या फिर किसी को अगर जनरेशन वाइज पैसा मिलता है तो उनके पिता उनके दादा ने कमाया होगा। तो कभी भी पैसे आप इन्वेस्ट करें तो उसके पहले ये जांच जरूर करें, ये देख जरूर लें कि बिल्डर ने कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट हैंडओवर किया है और ऑन टाइम डिलीवरी किया है, उसका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है एंड स्टाइल उसका तरीका कैसा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। या फिर ऐसे ब्रांड में पैसा जरूर लगाएं जहाँ पे जिसका बढ़िया ब्रांड हो मार्केट में, जिसका नाम हो, गूगल पे जाके उसके रिव्यूज़ चेक करें, अगर उसका कोई चैनल है यूट्यूब पे तो यूट्यूब पे चैनल पे जाके उसके रिव्यूज़ देखें कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके बारे में गूगल पे रिव्यूज़ क्या आ रहे हैं, यूट्यूब कमेंट्स में लोग क्या बोल रहे हैं, ये सब इंक्वायरी करें। ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करें तो ये सब भी इंक्वायरी करें, और नए बिल्डर के साथ भी अगर आप काम करते हैं तो भी ये सारा कुछ इंक्वायरी करें, फिर आप उसमें पेमेंट डालें, इन्वेस्टमेंट डालें, आपके कमाए हुए पैसों को लगें। उसका बेनिफिट ये होगा
कि वो बिल्डर अगर एक्सपीरियंसड है तो वो कभी भी अपना नाम ख़राब करने के लिए, अपने बायर्स को, अपने कस्टमर्स को हमेशा सेटिस्फाई करने के लिए वो हमेशा अच्छा ही काम करेगा। आपका पैसा उसमें डिप्रिशिएट नहीं होगा, आपका पैसा उसमें कम नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। अगर आप अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट करते हैं या ऐसे बिल्डर के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जहां आपको ये सेटिस्फाई, हमने चेक किया है और कुछ एक्सपीरियंस है, 10-20-50 प्रोजेक्ट उसने हैंडओवर कर दिया है लोगों को, ऑन टाइम डिलीवरी कर दिया है क्लियर टाइटल डॉक्यूमेंट के साथ, तो ये सब ज़रूर चेक करें। ये सब चेक करना बहुत कॉमन सी बात है, बट लेकिन बहुत लोग ब्रोकर या किसी के कहने पर भी किसे और तुरंत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बाद में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो बिल्डर को प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं हो, काम करने का तरीका सही नहीं हो, तो बायर्स को बहुत नुकसान हो जाता है। तो कभी भी पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका पहले का फीडबैक, रिव्यूज़, ये सब चेक जरूर करें। प्रोजेक्ट में मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास रीसेल प्रॉपर्टी भी है और बिल्डर प्रॉपर्टी भी है। रीसेल प्रॉपर्टी और बिल्डर प्रॉपर्टी थोड़ा प्राइस का कुछ डिफरेंस रहता है। हमेशा आप देखेंगे तो इन्वेस्टर का जो फ्लैट होता है थोड़ा कम तो बिल्डर से रहता है, तो अब आपके चॉइस के ऊपर है क्योंकि उसमें चॉइस बहुत कम मिलता है। अगर आपको इन्वेस्टर फ्लैट चॉइस में आता है तो वो भी हम दिलाएंगे, वो आपको थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है बिल्डर से, या फिर बिल्डर के प्राइस आप आइए, जैसा भी आपको जमे, जो प्राइस, जो प्रॉपर्टी आपको समझ में आए, पसंद आए, डायरेक्शन वाइज, व्यू वाइज, उसमें हम आपका डील करा के देंगे दोस्तों। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। अगर उन्हें प्रॉपर्टी परचेस करना हो पर्टिकुलर इस मीरा रोड एरिया में, तो उन्हें भी हम पूरी हेल्प कर पाएंगे प्रॉपर्टी दिलाने में दोस्तों। वैसे हमारा चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारे एरिया का अलग अलग प्रॉपर्टी हमने अपलोड किया है, तो घर बैठे आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स क्लिक करके वहाँ से आप बहुत सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। वीडियो के थ्रू आप प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, घर बैठे आप जान सकते हैं। ये सारा वीडियो हम अपने व्यूअर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए आसान कर देते हैं। घर बैठे वो चीज़ों को देख लें, समझ लें, फिर वो प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए बाहर आए। वैसे भी लॉकडाउन और कोरोना के सिचुएशन में बहुत सारे लोग बाहर आने से घबरा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके सारा कुछ देख लें, समझ लें, फिर वो परचेस करने के लिए आए। हम उनको प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेके, होम लोन कराने से लेके सारा कुछ प्रोसेसर में हम उनको पूरा हेल्प करेंगे दोस्तों। अगर कोई पर्सन हमारे साथ एज ए पार्टनर या एज ए सेल्स पर्सन या एज ए सैलरी पर्सन वर्क करना चाहें या जो फ्रीलांसर वर्क करना चाहें, तो भी आप हमें कॉल करें, हम उनसे भी हाथ मिला के काम करने को तैयार हैं दोस्तों। दोस्तों, आगे फिर से कोई वीडियो लेके आऊँगा, जब कोई नई प्रॉपर्टी या ऐसी कोई प्रॉपर्टी, फ़ायदे की प्रॉपर्टी आती है, तो मैं हमेशा नए नए वीडियोस लाता रहता हूँ दोस्तों। दोस्तों, आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर से आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।